फैमिली, तो आज है हल्दी का प्रोग्राम और सारा तैयारी हो गया है, पूरा सज के तैयार है। चलिए दिखाते हैं आपको। और क्यारा भी मेरे साथ है ना, और नेहा भी। चलिए आपको फुल टूर आज कराते हैं। कल नहीं करा पाए थे, कल के वीडियो में, मेहंदी के वीडियो में नहीं हुआ था। और ये तो एंट्री आप लोग को पता ही है, देखे ही होंगे आप। और ये है पूरा एंट्री, देख सकते हैं। बहुत सुंदर सजा, बहुत सुंदर सजा ना नेहा। यही हल्दी का स्टेज, अभी यहाँ पे गाना का प्रोग्राम होगा, वो सारा सेटअप हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे हल्दी लगेगा, समझी तुम? यहाँ पे गिरती ना अभी। चलो तैयार होने, तैयार हो, चलो जल्दी, भीड़ है, उसके बाद प्रोग्राम है। और यहाँ पे पापा अभी मंडप पूजन के लिए बैठे हैं और सब देख रहा है। और यहाँ पे स्टेज प्रोग्राम का भी तैयारी हो रहा है, जो कि मतलब सब गाना गाएगा अभी। कुछ भी के लिए हम दोनों और सब फैमिली मेंबर जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर जाएंगे, वहीं पे आप लोग को पता चलेगा थोड़ी देर के आगे एक बजरंगबली का मंदिर है, पहले वहाँ पे प्रणाम किया सब कोई, और उसके बाद निकल गए हम लोग ठाकुरवाड़ी के लिए। हे गाइस, तो फिर सब रास्ते में डांस करते हुए जा रहा था, नेहा क्यारा और सब कोई डांस कर रहे थे। और डांस करते करते फिर हम लोग पहुँचने वाले थे अब मंदिर। डांस तो किसी को रोकने का मन ही नहीं कर रहा था, फुल वीडियो डाले भी नहीं है। और उसके बाद पहुंच गए हम लोग मंदिर। मंदिर पहुंचने के बाद वहाँ एक कुआं है, और कुआं में भी एक बीध होता है जो कि पानी निकालने का होता है। तो हम तो पहुंच गए थे कुआं के पास, और पानी निकालना था कुएं से। उसके बाद हम स्टार्ट किए पानी निकालना, पानी निकालना था। तो पहले डाले तो रस्सी, तो वहाँ छोटा था तो पहुँच नहीं पाया था। उसके बाद कुएँ में जो ग्रिल लगा हुआ था उसको खोलना पड़ा। जब ग्रिल खोले, क्योंकि वो रस्सी ग्रिल में बांधा हुआ था, तो फिर जब खोले तो उसके बाद पानी पहुँच गया, सॉरी बर्तन पहुँच गया पानी के पास, और फिर पानी निकल गया था। और सब पानी जब हम खींच रहे थे तो सब गिराने के लिए तैयार था, और मेरा पानी बार बार गिरा दे रहा था। तो दोबारा फिर हम निकले, एक हाथ से ही निकालना होता, दोनों हाथ से पानी खींचना भी नहीं पड़ता है। तो फिर दोबारा जब हम खींचे, दोबारा भी मेरा सब पानी फेंक दिया था। एक ही हाथ से खींचना होता, ये सबसे बड़ा मुश्किल है। बचाने का तो हम बहुत कोशिश किए, लेकिन नेहा मेरा हेल्प कर रही थी, मतलब पानी निकालने में। तो एट लास्ट फिर थर्ड टाइम हम लोग स्टार्ट किए पानी निकालना, और थोड़ा सा पानी हम निकाल ही लिए और गिरा नहीं पाया वो लोग। तो उसके बाद फाइनली बीत पूरा हो गया ये पानी निकालने का। उसके बाद यहाँ का विध पूरा हुआ, उसके बाद प्रणाम वरणाम करके यहाँ से चल दिए दूसरे विध की ओर, वो भी मेरा ही था।
था मटकोर का भीत, जिसमें मट्टी को कुदाल से कोर के देना होता है पांच लोगों को। उसी का भी तैयारी चल रहा था, तो मट्टी कोर कोर के हमको पांच लोगों को हम दिए। उसके बाद ये भीत भी कंप्लीट हो गया था फाइनली। बीत कंप्लीट होने के बाद हम लोग वहाँ पे सब मंदिर में प्रणाम किए। घर की ओर जा रहे थे और रास्ते में हम लोग बहुत ज़्यादा डांस किए, बहुत से सारा डांस किए। बारी बारी से चुमाए और फिर हम भी चुमाए। हमको पता नहीं था तो हम गोलू हमको बता रहा था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। लास्ट में पानी वाला एक गीत था जिसमें हमको पता नहीं था तो हम पूछे पानी कहाँ लेना है, तो गोलू हमको बताया कि यहाँ हमको पर जीतना है। तो फिर हम जीते तो हमको हंसी भी आ गया था। उसके बाद नेहा का बारी आया, नेहा भी चुमाई। और अब आगे हम लोग दिखाने वाले हैं हल्दी का प्रोग्राम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ब्लॉग में बने हुए रहिएगा। यहाँ पे हल्दी में भी म्यूजिक का प्रोग्राम था और सिंगर लोग आए हुए थे बाहर से, सब मिलके देख रहा था। और हल्दी का प्रोग्राम साइड में चल रहा था। पहले फोटो वगैरह क्लिक करवा लिए साथ में अपनी फैमिली का हम लोग। उसके बाद हल्दी हम लोग 2 मिनट के लिए अंदर गए, जहाँ आके देखते हैं कि पूरा हल्दी निखिल को लगा हुआ है। सारा फ्रेंड लोग उसका हल्दी पूरा लगा दिया था निखिल को। सबसे ज़्यादा एंजॉय अपने हल्दी के फंक्शन में निकली कर रहे थे।
डांस करने के बाद सब पिक क्लिक करवाने में लग गया। और हल्दी तो इतना लग गया था निखिल को कि हम लोग लगा ही नहीं पाए थे, उसका फ्रेंड लोग पूरा हल्दी से नहा दिया था, फिर भी जो थोड़ा बहुत दाढ़ी में फंसा हुआ था वही हल्दी हम लोग लगा रहे थे। सारा प्रोग्राम तो हो गया, अब हम लोग बैठ गए आराम से, खाना खा रहे हैं, थोड़ा गाना बज रहा है, इसलिए शॉर्ट में खत्म करेंगे, बाद में हम ऑडियो डालेंगे। हो गया, कुमारी टूटा नहीं, इतना उछले सोएंगे तो सुबह उठेंगे ना। ठीक है, अब आज आज जो सोएंगे डायरेक्ट सुबह सुबह, कल रात को तो सोने न, कल रात का वही तो, कल रात पूरा रात जगना।